सो दिस इज द सेवेंथ लेक्चर ऑफ़ सीए फाउंडेशन लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सेप्टेंस को कवर किया था उससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑफर को कवर किया था एक्सेप्टेंस में हमने ये तीन वर्ड बेसिकली पूरे डेफिनेशन से निकाला था दैट ऑफरी अपना येस अगर कम्युनिकेट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं वो एक्सेप्टेंस हो जाता है मतलब और जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है

सॉरी ये वाला पॉइंट जो हमने देखा था एक्सेप्टेंस इज टू वॉट आर लाइटेड मैचेस टू द ग्रेन ऑफ ट्रेन ऑफ द गन पाउडर इसको हमने एक काफी डायग्रामेटिक वे में इसको समझा था और बेसिकली ये था कि जब तक माचिस की तीली जलती माचिस की तीली जब तक आ, गन पाउडर के ट्रेन को टच नहीं करती तब तक आप एक्सप्लोजन को रोक सकते हो और एक बार आपने अगर जलती माचिस की तीली गन को टच कर दिया तो फिर एक्सप्लोशन होना इट्स uh, इनएविटेबल मतलब वो होकर ही रहेगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते यू कैन नॉट टेक बैक सो यही वाला सिनारियो यहाँ पर था कि एक बार ऑफर अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो ऑफर इज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज एक बार अगर आपका ऑफर एक्सपेक्ट एक्सेप्ट uh, हो गया उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते एंड बिकम अ लीगल uh, आपका एक ऑब्लीगेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लीगल ऑब्लीगेशन विल बी क्रिएटेड फॉर बोथ द पार्टीज फॉर बोथ ऑफर एज वेल एज ऑफरी और वहां पर आप फिर पीछे नहीं हट सकते और ये लीगल रिलेशनशिप के हिसाब से आपको अपने अपने ऑब्लिकेशन को फुलफिल करना होगा राइट जो ऑफर है उसको आप विद्रॉ नहीं कर पाओगे रिवोक नहीं कर पाओगे एक बार अगर वो एक्सेप्ट हो गया इसी के लिए हमने यह भी देखा था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्ट होता है कैसे उसका वर्किंग था बट उससे पहले एक बार हम लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस देख लेते हैं इट कैन बी गिवन ओनली बाय द द पर्सन टू ऑफर ऑफर इज मेड और स्पेसिफिकली ये किसके केस में होगा अगर आप स्पेसिफिक देते हो क्योंकि जनरल ऑफर के केस में तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है तो अगर ये पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आए सी हो सकता है इस सिर्फ इसी के ऊपर आपको एक टू मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए दैट एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू द ऑफर इज मेड कॉमेंट तो आप उसमें आंसर लिखना यस yes. मतलब दोबारा से लिखोगे से आप लिखोगे देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑफर वन इज स्पेसिफिक ऑफर अनादर इज द जनरल ऑफर फिर आप लिखोगे इन केस ऑफ जनरल ऑफर द ऑफर कैन बी एक्सेड बाय बिकॉज द ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज सो एनी पर्सन क्वालिफाइंग द कंडीशन कैन एक्सेप्ट ऑफर फिर आप लिखोगे पॉइंट नंबर बी हव एवर इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर द ऑफर इज मेड ओनली टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड देयर फॉर द एक्सेप्टेंस कैन बी डन ओनली बाय अ स्पेसिफिक पर्सन ये तो अगर आपके टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो कल को अगर यही क्वेश्चन आपको फोर मार्क्स के लिए पूछ ले या फाइव मार्क्स के लिए पूछ ले वैसे चांसेस कम है बट अगर पूछ ले तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उस केस में आप यहाँ पे सिर्फ एक काम करना एग्जाम्पल कोट कर देना अगर आपको कभी भी लगे कि आपका कंटेंट वीक हो रहा है बेस्ट इज जस्ट कोटा एग्जाम्पल और इसी के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करके आप ये एग्जाम्पल्स वगैरह पहले से लिख के रखो तो जैसे ही आप ये एग्जाम्पल लिखोगे जनरल ऑफर तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो फॉर uh, एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे बिग बाजार राइट बिग बाजार स्टोर राइट right? और वहाँ पर वो जो गुड्स को बेच रहे इज अ जनरल ऑफर ऑफर राइट स्पेसिफिक के अंदर क्या आ न्यूजपेपर एडवर्टीजमेंट दैट ही टू पे दिस मच प्राइस कैन बाय द कार फ्रॉम हिम लास्ट डेट और इस तरह करके आपने दे दिया तो इस तरह से करके आप एक एक्साम्पल वहां पे लिख दोगे तो चलेगा मतलब कोई ऐसा नहीं है, कि जो मैंने एग्जाम्पल बताया भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगता है आप पहले से उसका प्रैक्टिस करके रखो ताकि एग्जाम में आप परेशान नहीं होगे और आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि ये एग्जाम्पल लिखो क्या लिखो क्या फॉर्म करो ऐसे लिखो वैसे लिखो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा फिर आप देखिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड बिकॉज अगर एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट या मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया तो वो फिर बन जाएगा आपके लिए काउंटर ऑफर Also, acceptance must be communicated. However, it can be communicated by the words, which is called as express, or it can be communicated through actions, which will be implied. फिर आप यहाँ पे देखिए, हमने ये तीन case laws को check किया था. फिर हमने देखा था, acceptance must be given in the prescribed mode. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको reply करने को बोला गया है, वाया email. तो आपको ईमेल के ऊपर ही रिप्लाई करना है अगर आपने ईमेल के अलावा किसी और मोड से रिप्लाई किया और अपना एक्सेप्टेंस भेजा सो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस फिर हमने देखा था इट शुड बी गिवन इन द रीजनेबल टाइम फिर हमने ये भी देखा था मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस मेयर साइलेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस अनलेस द हैज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द साइलेंस शुड बी टेकन एज एक्सेप्टेंस तो, तो यहाँ पर मेयर साइलेंस आपका आ जाएगा और ये मैगजीन वाला एक्साम्पल हमने देखा था

बाय पोस्ट में डाल दिया या ईमेल पे डाल दिया जैसे भी कर दिया जैसे ही उसने अपने ट्रांसमिशन को सेंड कर दिया अब ये ट्रांसमिशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये एक ऐसा मोड होना चाहिए जहां से आप अपने बेसिकली अब उसको वापस नहीं ले सकते जैसे आपने अगर किसी को पोस्ट भेज दिया आपने अगर कोरियर कर दिया तो आप कुरियर को स्टॉप नहीं करवा सकते ठीक है तो यहाँ पे वही वाला मोड है कि ऐसे मोड में आपने उसको डाल दिया जहां से अब आप उसको दोबारा कॉल नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे ट्रांसफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है और ट्रांसफर के लिए कब होगा जब ये ट्रांसमिशन से कहां पहुंच जाएगा ट्रांसफरर के घर पहुंच जाएगा और ट्रांसफरर के नॉलेज में आ जाएगा तब हम क्या बोलेंगे द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर तो ब्रॉडली ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू कवर किया था आज मैं वापस से आप लोगों को यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स फिर से ये लिखवा देता हूँ और फिर हम एक और एग्जांपल को यहां पे कवर करेंगे एंड वी विल सी दैट व्हेन इज द ऑफर कम्युनिकेटेड एंड व्हेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड सो पॉइंट नंबर एक्से आपको तीन डेट्स पे याद रखने व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टेक्स प्लेस सो द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टेक्स प्लेस वेन दिंपल लैंग्वेज में वेन द ऑफर कम्स इंटू दॉलेज ऑफ द ऑफरी तो आपको सिर्फ इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जैसे ही ये ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा आप क्या बोलोगे द ऑफर इज कम्युनिकेटेड ठीक है वेन इज द एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड तो यहां पर आपके दो आंसर आएंगे ठीक है सो पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी इसमें आपका आ जाएगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे फॉर ऑफर for offerer acceptance for offerer is when the offerer has put the acceptance in transmission जैसे ही आपने उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया तो आप क्या बोलोगे आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया फॉर द ऑफरर और दूसरा यहां पर आ जाएगा फॉर द ऑफरी तो यहां पर आ जाएगा वेन द एक्सेप्टेंस कम्स द नॉलेज ऑफ ऑफरर करेक्ट अब ये दोनों डेट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले ऑफर रिवोक कर सकता है और इससे पहले ऑफर ही अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है इसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस अपना ऑफर को रिवोक नहीं कर पाएगा और इसके बाद में एक्सेप्टेंस सो so, मैं यहां पर फर्दर लिख देता हूं सो आफ्टर टू पार्ट ए ठीक है आफ्टर टू ए ऑफर कैन नॉट रिवोक offerer cannot revoke his offer take and after to be the acceptor cannot revoke his acceptance सिंपल सा पॉइंट ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट ओके ओके अगर ये क्लियर है तो हम चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन uh, को करते हैं एग्जाम्पल को लेते हैं और आप देखो इसमें क्या आंसर आपका होगा एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन तो टेक्निकली मेरे लिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए खत्म हो गया, because majorly अब मेरे को आपको से से मॉड्यूल ही करवाना है। है? So okay? तो चलिए हम पर ऐसे लेते हैं, ठीक मैं आपको बोलता हूं लेटर ऑफ ऑफर ये लू नहीं है लेटर ऑफ ऑफर ठीक है अभी समझ लेना of ठीक है Tenth of July The letter of offer reached to offery fifteenth of July Letter of Offer was read by ऑफरी एटींथ ऑफ जुलाई मैं आपको बोलता हूं ये बाई वे कॉन्स्टेंट रहेगा अब मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा हूं एटींथ ऑफ जुलाई ऑफरर, वाया ईमेल रिवोक्ट हिज ऑफर आपको ये बताना है क्या ये वैलिड है इज इट अ वैलिड रिवोकेशन से ध्यान से बिल्कुल ध्यान से चेक करो no, मुझे दोनों ही केस में आपसे रीजन चाहिए होगा अगर वैलिड है तो भी इन वैलिड है तो भी दो मिनट आप सोच के आंसर करो कोई जल्दी नहीं है ओके okay. कोई काउंटर करेगा इनके पॉइंट को यहां पर कम्युनिकेट हो गया एक पॉइंट आया है कि सर अभी तक कम्युनिकेट जो एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ऑफर रिवोक हो सकता है और एक आंसर मेरे पास आया है कि सर ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है तो अब ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता तो आप यहां पे देखो आफ्टर टू ए द ऑफर नॉट बी रिवोक्ड तो after 2a matlab मतलब after 2a means what when the offerer puts the acceptance in transmission yahan par abhi kya hua hai Offerer ne sirf letter ko read kiya hai aap dekh rahe ho ye difference it is only read by the offerer. Offerer ने अभी तक अपना reply नहीं भेजा so, क्या यहाँ पे offer revoke हो सकता है Answer is yes. आंसर इज यस ठीक है अब ध्यान रखना मैं जिस सीक्वेंस में आपको ये समझा रहा हूं उसमें क्या है ये इंफॉर्मेशन कॉमन है ठीक है अब मैं यहाँ पे आपको ऐसे बोल रहा हूँ सपोज अब ये दूसरा सिचुएशन हो गया ठीक है तो आप इसको काउंट मत करना इसको काउंट मत करना मैं आपको दूसरा सिचुएशन देता हूं सेकेंड केस अब मैं आपको बोलता हूं लेट से एटीन ऑफ जुलाई ठीक है एटीनथ ऑफ जुलाई जो ट्रांसफरी है उसने अपना रिप्लाई ड्राफ्ट कर दिया रिप्लाय डे ट्रांसफरी हैज ड्राफ्टेड द रिप्लाई थोड़ा सा यह हैंडराइटिंग अजीब सा हो गया है सो लेट मी जस्ट पोट प्रॉपरली सो ये हुआ ट्रांसफरी हैज ड्राफ्टेड द रिप्लाई एंड

सिंपली <laughs> यहाँ पर अभी भी ट्रांसफरी ने क्या किया सिर्फ अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट किया है सेंड नहीं किया तो अगर 19 तारीख को ये रिवोक किया जा रहा है दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड रिवोकेशन ओके अब आपको मैं यहाँ पे एक और सिचुएशन देता हूँ और थर्ड सिचुएशन थर्ड सिचुएशन को आप कैसे रीड करोगे वन टू थ्री और यहाँ पे आप फोर्थ पे आ पाओगे ठीक है ये दो को आप इग्नोर कर दोगे यहाँ पे जो हुआ अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ Sixteenth July The Transferee sends his reply via telephone. Okay. However, in the letter of offer. prescribed mode was email आप मुझे बताइए क्या वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ यहां पे mm -hmm. तो आपके लिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस आंसर इज नो प्रिस्क्राइब मोड पे होना चाहिए था रिप्लाई प्रेस्क्राइब मोड पे जाना चाहिए था अब प्रिस्क्राइब मोड में आपने रिप्लाई नहीं किया तो फिर ये आपके लिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं आप देख रहे हो एक ही सिचुएशन में कैसे थोड़े थोड़े से फैक्ट्स को चेंज करते ही आपका सिचुएशन अलग हो जाएगा आया आपको समझ में राइट right? ओके okay. अब मैं यहां पे आपको बोलता हूं सिचुएशन नंबर फोर तो मतलब ये तीन डेट सेम है सात दस और पंद्रह खैर वैसे भी इनका कोई अभी रेलेवेंस आगे रहेगा नहीं यहां पर मैं आपको बोलता हूं लेट से ऑफ़ जुलाई द ट्रांसफरी सॉरी द ऑफरी सेंस हिज एक्सेप्टेंस उसने अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया और ये पहुंचा कभी विच रीच्ड द ऑफरर ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई ओके उसने अपने एक्सेप्टेंस को भेजा कभी 18 जुलाई को जो कि उसके पास कब पहुंचा 23 जुलाई को अब यहां पर मैं आपको बोलता हूं व्हाट इफ द ऑफरी वांट्स टू रिवोक द एक्सेप्टेंस ओके वेन कैन ही डू सो आपको यह आंसर करना है वैन कैन ही डू सोटी ट्वेंटी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आप लोगों ने अभी आंसर किया दिस इज गोइंग टू बी बिफोर ट्वेंटी थर्ड जुलाई तेईस जुलाई के पहले पहले अगर आपको रिवोक करना है तो यह कर सकता है ठीक है अब इसी में मैं आपको एक सेकेंड क्वेश्चन पूछ लेता हूं फोर्थ का बी पार्ट कैन द ऑफर रिवोक हिज ऑफर कैन द ऑफर रिवोक हिज ऑफर नाउ Can the offerer revoke his offer रिवोक answer ऑफर no आंसर इज नो करेक्ट और क्यों बिकॉज already sent his acceptance उसने अपना एक्सेप्टेंस ऑलरेडी भेज दिया तो अब ऑफरर तो रिवोक कुछ नहीं कर सकता हाँ ऑफर भले ही चाहे तो ये तेईस तारीख के पहले, पहले पहले रिवोक कर सकता है ठीक है अब मैं आपको एक और पूछता हूं वॉट इफ तो यह आपका फिफ्थ पार्ट हो गया ठीक है

सॉरी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दिस हैज गॉट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो आप मुझे बताइए अब क्या होगा आप क्या मानोगे एक्सेप्टेंस इज वैलिड रेदर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है यहां पर यह जो एक्सेप्टेंस है इज द एक्सेप्टेंस Revoked or you would say the acceptance cannot be revoked. Okay. A can say it is revoked. Baki. Revoked? वट अबाउट अदर्सेंडर सिंपल पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखना है अगर एक्सेप्टेंस लेटर और रिवोकेशन लेटर दोनों सेम डे आपको मिल रहा है तो फिर हमें यह चेक करना होगा कि ऑफरर ने सबसे पहले कौन से लेटर को ओपन किया अगर उसने इस लेटर को ओपन कर लिया तो अब एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकता लेकिन अगर उसने रिवोकेशन वाले को ओपन किया तो ये रिवोक हो सकता है आया आपको समझ में ये वाला पॉइंट आप देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है ये देख रहे हो ऑफर सो यू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टेंस दैट केम और इफ केम तो अगर यहां पर लेट से इसको मैं कर देता हूं ए एंड बी तो अगर सीक्वेंस ऐसा हुआ है बी और फिर ए अगर ये पहले हुआ और फिर ये हुआ तो तो आप रिवोक कर सकते हो लेकिन अगर सीक्वेंस ऐसा था कि पहले ए हुआ और फिर बी हुआ तो इन दैट केस आप यहां पर क्या करोगे रिवोक नहीं कर पाओगे क्या आपको ये क्लियर हुआ है यह आपको क्लियर हुआ है सिंपल इज दिस सिंपल ठीक है तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट यूजुअली uh, करता है ठीक है ये यूजुअली आपके साथ इंस्टीट्यूट uh, क्वेश्चन इसके ऊपर खेलता है पहले काफ़ी ज़्यादा होता था आई डोंट नो आज की डेट में इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ई मेल और है तो पोस्ट एंड ऑल से तो आज की डेट में कुछ होता नहीं है बट स्टिल इनकेस दे डू आप चेक करना यहाँ पे ठीक है सो so ये आपके पास पूरा था अब देख लीजिए यहाँ पे आपको एक एक टर्म्स पूरा मिल जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर तो आप इसमें देखो द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कम्प्लीट ठीक है द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कम्पलीट वेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू वम द ऑफर इज मेड और इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिया है दैट वेन ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल एज हाउस फॉर रुपीज फाइव लैक एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन टेंथ ऑफ मार्च एंड इफ दैट लेटर रीचेज

ऑफर इज फिफ्टी नॉट ट्वेल्थ ऑफ मार्च ठीक है अच्छा वॉट एफ आपको मैंने ई मेल के थ्रू भेजा है ई मेल के थ्रू भेजा देखो, है देखो इसमें कोई ना करेक्ट आंसर नहीं है ठीक है आप ऐसे सीखो प्रैक्टिकली मैंने आपको ई मेल भेजा कई बार होता है कि मेरा ई मेल आपको इनबॉक्स में जाएगा और कई बार होगा कि यह चला जाता है स्पैम या जंक फोल्डर हाँ, में चला जाता है और इवन इफ मैं बोलता अगर मेरे इनबॉक्स में भी आया तो भी जरूरी है कि आप ईमेल ओपन करो ही करो नॉट नेसेसरी ठीक है मैं घूमने गया हुआ था मैं ईमेल रोज ओपन नहीं करता हूं तो अब आप मेरे को एक बात बताओ आप कब मानोगे व्हाट इज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन वी ओपन द ईमेल अब आप मुझे बताओ मैंने आप सबको ईमेल भेजा है क्या आपको पता चलेगा कि मैंने ईमेल मतलब क्या मुझे कभी पता चलेगा आपने ईमेल कब ओपन किया कब नहीं किया क्या व्हाट्सएप की तरह टिक लगता है उसमें ऐसे ऐसे नहीं सर तो अब आप कैसे वर्कआउट करोगे इसमें नहीं, नहीं। मैं एक्सेप्टेंस नहीं मतलब मैं बेसिकली यहाँ पे ऑफर का ही बात कर रहा हूँ मतलब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानोगे बिकॉज पॉइंट यहाँ पे क्या है इट कम्स टू द नॉलेज है कि नहीं सो हियर बेन विल यू से दैट इट हैज कम टू द नॉलेज इनबॉक्स में गया तो आप डीम्ड मानोगे कि जिस दिन पहुंचा उसे दिन या जिस दिन आपने स्पैम से उसको इनबॉक्स में डाला वो दिन मानोगे या जिस दिन आपने ईमेल पढ़ा तो इस टाइप के प्रैक्टिकल चैलेंजेस कई बार आते हैं पर यहां पर हम क्या मानते हैं कि आपको अगर ईमेल भेज दिया है दैट इज अ वैलिड मतलब आपका ये ड्यूटी है कि आपको चेक करना चाहिए आपके ईमेल को आपको चेक करना चाहिए तो हम यही डीम्ड बनेंगे आपने रीड कर लिया बट हां अगर आपने व्हाट्सएप पे भेजा है और व्हाट्सएप में आपका ब्लू ब्लूटेक एक्टिवेटेड है और अभी तक अगर ब्लू ब्लूटेक नहीं लगा दिस मीन्स द मैसेज हैज बीन सेंट बट इट हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड सो एनी सोर्स जिससे आपको ये पता चल सके दैट द पर्सन हैज एक्चुअली रेड और पर्सन हैज नॉट रेड तब तो कोई दिक्कत नहीं है पर ईमेल जैसे केस में जैसे ही आपने भेज दिया वी विल बिलीव दैट द पर्सन हैज रेड इट ओके इज दिस क्लियर देखो ऑफरी रीड करने के बाद रिवोक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कब रिवोक नहीं होगा देखो एक सिंपल एग्जांपल लो मैंने आपको एक ऑफर किया कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं ठीक है आप अभी सपोज करो मेरे को रिप्लाई कर रहे हो आपने यस yes रिप्लाई कर दिया और आपने बाय पोस्ट वो अपने जो लेटर था आपने उसको बाय पोस्ट आपने सेंड किया तो आपने पोस्ट ऑफिस में उसको डिपॉजिट कर दिया है ठीक है अब टेक्निकली अगर आप देखो तो मेरे लिए तो वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है आया आपको समझ में मेरे लिए वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है हाउएवर आपका एक्सेप्टेंस अभी तक मेरे को नहीं पहुंचा ना? तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप मेरे ऑफ मतलब अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हो पर आप कब तक विद्रॉ कर सकते हो जब तक वो लेटर मेरे तक नहीं पहुंच जाता एक बार वो मेरे लेटर तक वो लेटर मेरे तक पहुंच गया तो फिर यहाँ पर हम उसको नहीं कर सकेंगे तो बेसिकली यहां पर यह देखना है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट रेलिवेंट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज रेलिवेंट वेन इट कम्स टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर और द रिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया ऑफर के लिए

यहां पर हम बात कर रहे हैं रिवोकेशन का कि इस केस में देखो फॉर ऑफरर तो आप यहां पे देखो नाउ द ऑफरर कैन नॉट रिवोक दिस इज फॉर ऑफरी तो आप यहां पे देखो नाउ द एक्सेप्टर और द ऑफरी कैन नॉट रिवोक हिज एक्सेप्टेंस है समझ में सो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज रेलिवेंट फॉर द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ठीक है तो ये वाला पॉइंट आता है तो ये कुछ कुछ ऐसे मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऐसे ही डिस्कस करूं तो ये प्रैक्टिकली इस तरह से सिचुएशन आए तो क्या रहेगा तो प्रिंसिपल आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है प्रिंसिपल जो इसके अंदर रहेगा वो ये है क्या सामने वाले इंसान के नॉलेज में वो चीज आ गया है या नहीं ठीक है अब अगर आ गया है तो फिर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया सेम वे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो यहाँ पे आ रहा है देर आर टू इशूज ऑफ डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड वेन द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया था जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस होगा वो आपका कैसे रहना चाहिए वो आर बाय एक्ट होगा या फिर बाय ओमशन होगा मतलब इफ यू रिमेंबर एक्सेप्टेंस के अंदर और जो ऑफर था ऑफर में मैंने आपको क्या बताया था द ऑफर कैन बी पॉजिटिव द ऑफर कैन बी नेगेटिव याद आ रहा है आपको द ऑफर कैन बी पॉजिटिव और द ऑफर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब था the offer can be to do something and negative का क्या मतलब हो जाएगा offer can be not to do something याद आ रहा है hmm. अब अगर आप यहां पर check करो if the offer is to do something then when you do when it is done okay when it is done तो हम बोलेंगे ये acceptance हो गया और not to do something so when इट इज नॉट डन वेन इट इज नॉट डन तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है एक्सेप्टेंस हो जाता है ये आपको सिंपल पॉइंट ध्यान रखना है तो ओमेशन वाला जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलेंगे ओमेशन मैंने आपको बोला देखो मैंने आपकी गाड़ी को गलती से बंप कर दिया है आपकी गाड़ी को डैमेज हुआ है पर कोई गड़बड़ नहीं है मैं आपके डैमेजेस को पूरा रिपेयर कर दूंगा अभी ट्रैफिक पुलिस वाला जब आएगा तो प्लीज ये मत बोलना कि मैंने आपकी गाड़ी को ठोका है बोल देना म्यूचुअली दोनों की गलती से हो गया आप केस नहीं करना चाहते हो मेरे पे या आप कंप्लेंट लॉन्च नहीं करवाना चाहते नहीं तो फालतू में मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा आपको भी परेशानी होगी बट यू नो फॉर दिस डोंट डोंट फाइल अ कंप्लेंट आई विल रीपे योर डैमेजेस एंड एवरीथिंग आई विल डू दैट बट अगर आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो तो फिर हम चलो कोर्ट में देखेंगे फिर मैं फिर मैं भी बोलूंगा आपकी गलती थी आपने पहले ब्रेक मारा या आपने गलत तरीके से ब्रेक मारा इसलिए मैंने बम किया इनफैक्ट फिर तो मतलब कोर्ट में जाने के बाद तो फिर कुछ भी गेम हो सकता है तो मैं आपको इस तरह से करके मैंने समझाया आपने भी सोचा कि यार बात तो सही है अल्टीमेटली मेरा कार डैमेज हुआ है बट दिस पर्सन इज रेडी टू पे फॉर द ऑल द रिपेयर तो फालतू में पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ना तो आपने जब ट्रैफिक पुलिस वाला है तो आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को बोला नहीं नहीं इनकी गलती नहीं है मतलब दोनों से ही म्यूचुअली हो गया सामने एक वो बिल्ली आ गई थी तो अचानक से मेरे को ब्रेक मारना पड़ा और फिर पीछे से ये भी स्पीड में आ रहे थे तो गाड़ी में बंप हो गया इट इज फाइन आई डों केन यू है कम्प्लेन दैट इज वट दैट इज माय ऑफर ओके अब बाद में मैं आपको ये नहीं बोल सकता अच्छा आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया था आपने बोला क्यों नहीं कि आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्या है द मूमेंट You have not filed the complaint to police. That is what. That is a valid acceptance. Does this make sense, guys? Does this make sense? Okay. तो मैं वहाँ पर ये बोलते हैं ना जो शानपट्टी, शानपट्टी नहीं कर सकता यहाँ पे कि अरे आपने तो उस वक्त तो हाँ बोला ही नहीं था, so that is not a valid acceptance because by not filing a complaint to police. You have accepted, you have communicated your acceptance. तो एक तो ये ये आपके पास आता है। इसके अलावा अगर आप देखो, जैसे ये वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा वो हाँ। अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज आता है देखो जब आप बात करते हो चलो ये थोड़ा सा आगे डिस्कशन होता बट सिंस आपने ये पॉइंट अभी बताया तो मैं अभी डिस्कस करता हूं यहां पे देखो आपने कुछ गलत किया है ठीक है यू हैव डन सम ठीक है वो सिविल रॉन्ग हो सकता है और वो क्रिमिनल रॉन्ग हो सकता है ठीक है अगर आपने कोई सिविल रॉन्ग किया है और उसमें आप ऑफर कर रहे हो कि नॉट फाइल अ केस प्लीज डोंट फाइल अ केस आई विल री पे द डैमेज और वट एवर आई विल कॉम्पनसेट आई विल री पेंग जो कुछ में यहां या पर रहता है कॉम्पनसेशन की बात करो अगर आप ये कर देते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिविल रॉन्ग में देर इज नो प्रॉब्लम ये लॉ बोलता है ठीक है भाई वैलिड है लेकिन अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है और क्रिमिनल एक्ट में आप बोलते हो प्लीज डोंट फाइल अ केस आई विल पे यू दिस आई विल गिव यूर कॉम्पनसेशन तो ये हो जाएगा वॉइड ओके okay? डिफरेंस है तो यही अगर सपोज करो मैंने आपके घर में चोरी करी होती और मैं आपको बोलता अच्छा चलो एक काम करो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा आपके घर से मैंने जो जो चीजें चुराई है वो मैं आपको पे कर दूंगा पुलिस कंप्लेन मत करना तो ये क्या है दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट लेकिन अभी जो कार बंप मैंने आपका किया तो वैलिड हाँ अगर कार बंप में सपोज करो सलमान खान वाला काम हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा फिर मैं ये नहीं बोल सकता चलो मैं आपको डैमेजेस पे कर दूंगा आया आपको समझ में राइट okay. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है है तो सिचुएशन सिचुएशन टू ठीक स्वाद अनुसार आपके पास लीगल सोल्यूशन मिलेगा ठीक है तो ये पॉइंट आता है आगे देखिए यहां पे कम्युनिकेशन बाय एन एक्ट तो जैसे मैंने आपको बताया यू कैन यूज द वर्ड्स राइट वेदर इट कैन बी रिटर्न और इट कैन बी ओरल क्या, आप वहां पर कर सकते हो इट कैन ऑल्सो बी बाईर एक्शन बट बाय ओमेशन में क्या होगा जब आप वो काम नहीं करते सो ओमेशन इज कन्वेड बाय द कंडक्ट और बाय फॉरबीरियंस ऑन दार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिस्स विलिंगनेस और असेंट तो ये पॉइंट आता है इसके अलावा एक और चीज आपको दे दिया डेट साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कम्युनिकेशन ऑफ ओमेशन मतलब वो तो बाईस डिफॉल्टी ये बात हुआ था

वो वेइंग मशीन रहता था उसमें आप सिक्का डालो आपको एक पेपर निकल के आएगा वो वेट आपको बताएगा आपका ठीक है तो अगर आप उसमें सिक्का डाल रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस है कि आप अपना वजन करवाना चाहते हो आप ये नहीं बोल सकते मैं तो ऐसे ट्राई करके देख रहा था क्या होता है चलो एक रुपया मेरे को वापस करो राइट तो ये सारे पॉइंट्स है सेम वे जब आपने बस को बोर्ड किया तो ये आपका बाइक हो गया आप कई बार रेस्टोर में जाते हो रेस्टोर में आप देखते हो टेबल पे मिनरल वाटर बॉटल रहता है का आपको ऐसे मिलेगा, ये पे रहता है, तो है, है। आपसे जाके वो पूछता है ना रेगुलर वाटर लोगे या मिनरल वाटर आपको लगता है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है और आप बोलते हो चलो मैं तो मिनरल वाटर लूंगा और आप ये मिनरल वाटर बॉटल को खोल के पीना शुरू कर देते हो और आपके बिल में वो उसको ऐड करता है तो आप बाद में इसको यू कैनॉट अपोज कि यार ये मेरे बिल में आपने मिनरल वाटर कैसे ऐड किया मुझे तो लगा था ये फ्री का है तोड़ा वैसे ही आपने क्या कर दिया यू हैव कम्युनिकेटेड योर एक्सेप्टेंस राइट तो ये सिंपल सा पॉइंट आपके पास यहाँ पे रहेगा फिर अगर आप यहाँ पर देखो आगे लेट्स नाउ कम टू एन इशू वेन द

कि आप आप सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ से उसको मत पढो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे राइट right? तो लॉ के स्टूडेंट्स को जब मैं मैं पढ़ाता हूं, तो उनको हमेशा यही बोलता हूं कि बस, जब तो थोड़ा सा आप ये नहीं बोलो हाँ हाँ एज पर सेक्शन फोर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द इज यू नो बट व्हाट सिग्निफाइज द नॉलेज तो थोड़ा सा दिमाग उस तरह से आप चलाना राइट तो ये ऐसे रहता है आपके पास फिर आप देखिए अ प्रपोजल इज इज एक्सेप्टेड द द द द लेटर लेटर सेंट टू टू पोस्ट तो ये आपका जब वहां पे सेम वे अगर टेलीफोन या फैक्स के थ्रू आप कॉल पे इस तरह से बात कर रहे हो तो आपका एक्सेप्टेंस या ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा जब ये प्रॉपरली वहां पर कम्युनिकेट हो जाएगा सपोज हम फोन पे बात कर रहे हो और बीच में नेटवर्क खराब हो गया आज की डेट में फैक्स तो चलता नहीं है तो इसका तो कोई वैसे भी यूज नहीं है बट आप ये देख लेना अगर बीच में कॉल ड्रॉप हो गया या फोन लाइन में कोई डिस्टर्बेंस था देन इन दैट केस दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ऑफर या एक्सेप्टेंस वहां पे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हुआ ठीक है फिर यहाँ पे आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन तो स्पेशल कंडीशन इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट ये बाई द वे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए स्पेशल कंडीशन आप में से कितने जनों को पता है कि जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो आई थिंक आई शुड पुट इट इन अ ब्लैंक स्लाइड मैं आपके इसमें पीपीटी में एक ब्लैंक स्लाइड एड कर देता हूं सो so दैट ये आपके स्लाइड में परमानेंटली रह जाए और कल को आप परेशान नहीं हो, ओके सो जस्ट पुट इट या सो आप में से कितने को पत, ये बात पता है कि और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड अच्छा जब आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप में से कितनों को पता है कि अगर आप सेकेंड क्लास के ट्रेन में मैंने लोकल ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप सिर्फ 40 के लगेज को ट्रैवल यूज अपने साथ ले जा सकते हो और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो आप लोकल ट्रेन में 60 के लगेज अपने साथ लेके जा सकते हो कितनों को ये बात पता है देखो ए, देखो देखो हम हम ये आज आपको मालूम पड़ा एयरलाइन में अगर करते हैं तो एयरलाइन में तो मतलब आज की डेट में तो वो तो वो चिल्ला चिल्ला के ये बात बोलते हैं कि फिफ्टीन के जी लगेज ओनली अलाउड करेक्ट टिकट पे लिखते हैं और टिकट पे मतलब प्रॉपर प्रॉपर लिखते हैं वो आज की डेट में ठीक है सामने फ्रंट ऑफ इट आप में से जितनों ने भी लोकल ट्रेन में अगर ट्रेवल किया है मतलब तो लोकल ट्रेन के टिकट के पीछे भी कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है आपने नोटिस किया यहां ऐसा इधर कुछ 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 लिखा हुआ रहता है बैक एंड पे आप लोग कभी आउट स्टेशन ट्रेन को पकड़ो लेट से राजधानी दुरंतो या जो भी आप इस तरह से ट्रेन को पकड़ोगे उसमें भी ऐसा रहता है कि अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहे हो तो आप इतना लगेज ले जा सकते हो अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इतना ले जा सकते हो अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इतना लगेज ले जा सकते हो आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इतना ही लगेज लेके जा सकते हो राइट right. तो ये एक ना ये बेसिकली जब आपको टिकट बेचा जाता है उस वक्त टिकट लेने के टाइम पे कभी भी आपको लोकल ट्रेन में ऐसा नहीं बोला गया है कि देखो लगेज फोर्टी के जी लगेज सिक्सटी के जी देखो एयरलाइन में तो वो क्लियरली बोलते हैं क्योंकि एयरलाइन में बहुत डिस्प्यूट हो गया इन सबका बट ट्रेन में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा मैंने भी कभी नहीं सुना था आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू न्यू डेली सेकेंड एसी के अंदर आई हैड लगेज ऑलमोस्ट ऑफ सेवेंटी ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेन का टिकट ही इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे पास इतना लगेज था अदरवाइज मैं फ्लाइट में ट्रेवल कर लेता क्योंकि उस वक्त बीस के जी अलाउ करते थे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन मेरे पास इतना लगेज था इसलिए मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया अब हुआ क्या मैं जैसे ही न्यू दिल्ली स्टेशन पे ट्रेन से उतरा मेरा इतना सारा लगेज को देख के अब सत्तर के जी लगेज है तो एक बैग में तो आएगा नहीं मतलब चार पांच बैग्स वहां पे होंगे तो अब हुआ क्या जैसे ही मैं वहां पे उतरा जो टीसी था वो आया बोलता है आपका तो ये एक्सेस लगेज है मैं बोला अंकल क्यों मजाक कर रहे हो पहले तो मुझे लगा डुप्लीकेट टीसी होगा दिल्ली है ना वो तो वहाँ कुछ भी हो सकता है तो मुझे तो पहले लगा ये डुप्लीकेट टी है तो मैंने बोला अंकल क्यों मजाक कर रहे हो ठीक है ट्रेन में कभी कोई एक्सेस लगेज होता है क्या वो फ्लाइट में होता है ठीक है ये राजधानी है इंडिगो नहीं है सो बोले कि नहीं इसमें आपका लगेज लगेगा ये लगेगा तो मैं भी होशियारी मार के उनको बोला आईडी कार्ड दिखाओ आपका आई डोंट बिलीव यू एक तो लॉ बैकग्राउंड से रहते हैं ना तो अपने को लगता है कि लॉ अपने को थोड़ा ज्यादा आता है सो आई जस्ट सेड एम आई वैज आई थिंक आई वजी ट्वेंटी वन सो so, उस वक्त मैंने इनको फिर बोला मैं बोला आई डी कार्ड, कार्ड इसने दिखाया, इसने दिखाया बोला अब तेरे को मैं लपेटे में लेता हूँ so, कैलकुलेशन तो करके दिया पर अगेन दिल्ली बिंग दिल्ली पांच सौ रुपए में ये टीसी पट गया था और मेरा काम हो गया एंड आई वेंट अवे एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि अच्छा ये राजधानी और ट्रेन में भी आप ट्रैवल करते हो तो वहां पे भी लगेज का एक लिमिट होता है इससे पहले मुझे भी नहीं पता था फिर ऐसी एक दिन लोकल ट्रेन में मैं टिकट के पीछे पढ़ रहा था तो वहां पर था कि अगर आप सेकेंड क्लास का टिकट आपने लिया हुआ है तो 40 के का लगेज लिमिट है और फर्स्ट क्लास में अगर आप कर रहे हो तो आपके पास 60 के का टिकट का ये लिमिट रहेगा अब आप बताओ जब मैंने राजधानी का ये टिकट परचेस किया था क्या टिकट बेचते वक्त उसने मुझे बताया था कि आप इसमें सिर्फ 50 के जी लगेज ही लेके ट्रैवल कर सकते हो उससे ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते नहीं सर। लेकिन क्या मैं उस वक्त टीसी को यह बोल सकता था जो करना है कर ले मैं ये पेनल्टी पे नहीं करूंगा टेकिंग टेकिंग टेकिं मेरे चाचा जी विधायक नहीं नहीं है है ठीक तो दिल्ली में यह भी चलता है ना मेरे बाप को जानता है मेरे चाचा विधायक है मेरे वो है वो सब कुछ भी नहीं मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं क्या मैं ये बोल सकता हूँ टीसी को कि यह कंडीशन जो था ये जब हमारा मेरे और इंडियन रेलवे के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो ये कंडीशन मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया था सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस कंडीशन कैन आई सी दिस या ये कंडीशन ये रेस्ट्रिक्शन जो आप लगा रहे हो दिस इज वॉय इट इज नॉट एनफोर्सिबल बिकॉज इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू मी वेन दॉ मेड सो इसका आंसर है नो वाई बिकॉज जब आप ये टिकट परचेज कर रहे हो तो आप सिर्फ इस टिकट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस टिकट के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है आप उसको भी एक्सेप्ट करते हो इवन दो दैट इज नॉट एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड टू यू दिस मेक सेंस डज दिस मेक सेंस तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना दैट वेन द एक्सेप्ट ऑफर इज एक्सेड दलोंग विद स्पेशल कंडीशनो और जनरली आपको जो इसमें एक जैसा मिलेगा तो वो केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा वो ऐसे ही बताएगा टिकट के पीछे कुछ कुछ लिखा हुआ था ये था मैं ये भी नहीं बोल सकता कि देखो आपने तो ये कितने छोटे छोटे वर्ड्स में ऐसे लिखा चीटी मार मार के आपने यहाँ पे लिखा है कौन पढ़ता है इसको राइट right? वो वैलिड नहीं माना जाएगा लॉ में वो वैलिड नहीं होता कि कौन पढ़ता है इसको ठीक है वो बोलते हैं ना झूठ अल्ट्रा झूठ और लेजेंड वाला झूठ लेजेंड वाला झूठ क्या होता है आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आई एक्सेप्ट वो लेजेंड वाला झूठ होता है कौन पढ़ता है कोई उसको नहीं पढ़ता लेकिन कल को अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने तो इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था दिस इज अ ट्रेडिशनल वे हर कोई ऐसे एक्सेप्ट करता है कौन पढ़ता है इसको तो वो आपके लिए यहां पर वैलिड नहीं होगा तो यही वाला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन दीज स्पेशलिशन आर कन्वेड टैसेटली आपको याद आ रहा है टैसेट कॉन्ट्रैक्ट टैसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसमें क्या था साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है so

हो जाता है आप बताओ ऐसी मतलब तो मेरे साथ तो बता रहा इंसिडेंट्स गजब गजब हुआ है ट्रेन के अंदर ऐसे ही हुआ था राजधानी में आई हैड बुक द टिकट ऑन तत्काल अब मुझे नहीं पता तत्काल में जब आप टिकट बुक करवाते हो तो आपको ये बेसिकली एक आईडी कार्ड देना होता है आज के डेट में तो नॉर्मली ऑल्सो द्यास का आई बट तत्काल में पहले क्या होता था कि आपको अपना एक आईडी कार्ड देना पड़ता था जैसे तो मैंने अपना पैन कार्ड दिया तो मेरा पैन कार्ड का अगर आईडी है से ए बी सी डी जो भी अपना यहाँ पे वन टू थ्री फोर

मैंने वही काम किया टिकट को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था दैट द सेम आई डी कार्ड शुड बी प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ ट्रेवल विच इज यूज टू बुक द टिकट नाउ आई हैड नॉट इवन रियलाइज दिस कि ऐसा होता है बट आप ये देखो ये कंडीशन का डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया गया लॉ में आपको एक टर्म कई बार मिलेगा डीम्ड डीम्ड का क्या मतलब होता है मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा सिंपल मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा डीम्ड

इट्स गुड टू हैव दीज पॉइंट राइट इन योर माइंड जैसे अभी दो तीन दिन पहले की बात दो तीन दिन नहीं दो तीन हफ्ते की पहले की बात है मेरे घर के नीचे डीमार्ट का स्टोर है सो वेन आई वेन टू दैट स्टोर दिस लेडी वॉज ये दोर मैनेजर कि आपने ये प्रोडक्ट मुझे खराब दे दिया ये सब कर दिया मैं ये रख के जा रही हूँ मुझे ये नहीं चाहिए मुझे रिप्लेस करके दो द स्टोर मैनेजर इज सेम की आप इसको एक तो तीन चार महीने पहले लेकर गए थे तो बोले उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था तो मैं परचेज करने कैसे आती मतलब इसको रिप्लेस करवाने कैसे आती और मैंने खोला ही नहीं था मैंने घर शिफ्ट किया था तीन महीने बाद मैंने घर खोला तो ये मेरे को सामान मिला तो पता चला ये तो डिफेक्टिव है तो आपको रिप्लेस करके देना होगा ऐसे होगा द पर्सन सी आई के नॉट डू दैट यू प्लीज टॉक टू द कस्टमर केयर आई विल डू दैट वो फिर है ना ऐसी लॉ झाड़ने लग गई मैं लॉयर हूं मैं केस फाइल कर दूंगी मैं ऐसे कर दूंगी मैं वैसे कर दूंगी मैं धीरे से मैनेजर मतलब मैं वहीं पे खड़ा हुआ था बिकॉज बिलिंग काउंटर पे पूरा केस होके रखा था सो आई जस्ट यू नो मैनेजर उसको मैंने बोला एक काम करो उसको बोलो डू यू हैव द बिल इफ यू डोंट द बिल

You just observe the situations around and try to fit in contract act there but khud khatron ke खुद खतरों के खिलाड़ी मत बनना कहीं पर आप स्मार्टनेस fayda इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता Your concepts get strong matlab ek मतलब एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ इस तरह से हो जाता है या आप कहीं पर प्रैक्टिकली चीजों को कनेक्ट कर लेते हो you'll be able to remember the concepts very well, right? नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो वेन सम वन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर तो वो देखो एयरलाइन के अंदर भी पांच छह पेज का टिकट आता है लेकिन हम प्रिंट कितने का निकालते हैं सिर्फ फर्स्ट पेज का प्रिंट निकालते हैं जिसमें डेट ऑफ ट्रेवल पैसेंजर और वो सब लिखा हुआ रहता है बाकी सब बोला बाकी सब बेकार ठीक है जैसे होता है 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 ना ये प्रैक्टिकल बाकी सब थ्योरी थ्योरी छोड़ दो तो वो वाला हालत हो जाता बेचारा ठीक है सो so यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है कि वो वाले भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे के सारे आपके पास वैलिड माना जाएगा ठीक है देखो द क्वेश्चन इज वेदर दीज कंडीशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द पैसेंजर्स और नॉट तो यहाँ पे आंसर था येस It is by default assumed that the person has already read. तो Deeming provision. Deemed. पढ़ लिया था आप बताओ Is this clear? Yes. Okay. Okay. फिर आप यहाँ पे देखिए ये केसेस है ये केस एक बार आप लोग रीड करोगे ठीक है अब एक पॉइंट आता है कि

क्या वहां पर वो ऐसे डाल सकते हैं आपको एक दिन पहले एयरपोर्ट आना पड़ेगा आठ घंटे पहले एयरपोर्ट आना होगा अगर आप ट्रेवल से आठ घंटे पहले एयरपोर्ट नहीं आए तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और ये कंडीशन उन्होंने टिकट के पीछे लिख दिया था और लॉ क्या बोलता है बाय डिफॉल्ट यू हैव रेड दीज कंडीशन और आप ऑब्वियसली आठ घंटे पहले तो कोई ट्रैवल नहीं करता दो घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचे और एयरलाइन वाला आपको बोलता है कि नो वी विल नॉट अलाउ यू टू ट्रेवल बिकॉज आपको आठ घंटे पहले आना चाहिए था तो आपने बोला कहा लिखा है

उठपटांग कंडीशंस कंडीशन डालोगे अगर आपके जो टर्म्स है वो अनरीजनेबल होंगे तो उसको फिर सेटिसाइड कर दिया जाएगा एंड देन इन दैट केस इट विल बी अ नॉट अ वैलिड कंडीशन आप बताओ इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर राइट right? तो so, आप एक चीज ध्यान रखना स्पेशल कंडीशंस का डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है बट दी स्पेशल शुड बी रीजनेबल इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल इमेजिन आठ घंटे पहले अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचने को बोला जा रहा है एंड यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे बाई फ्लाइट या मुंबई टू अहमदाबाद यू आर ट्रेवलिंग बाय फ्लाइट तो आठ घंटे पहले तो आप एयरपोर्ट पहुंचोगे okay? और उसके बाद में आपका जो एयर ट्रेवल है इससे अच्छा तो आप by road ही पहुंच जोगे, right? तो 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 आप आप ही ऐसा अगर लगा रहे हो, तो तो पर यही आ जाएगा आपके लिए कि जब आप एक्चुअल में जो काम कर देते हो राइट वेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन तो यहाँ पर हम मानेंगे कि आपका ये कम्युनिकेशन हो गया है तो ये एक पॉइंट और है इसको आप वापस से रीड करोगे क्योंकि तो इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया गिव यू ऑल थिंग्स टू रीड रीड से दैट आप इन सब चीजों को कर लेना रीजन इसको रीड करने के बहाने आपका एक रिविजन पूरा हो जाएगा ठीक है एंड डेफिनेटली फिर इसके बाद में अगर कुछ आपका डाउट्स रहेगा तो आई विल एनी वे कलेक्टेड तो रीडिंग हैबिट आपका इससे थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा और रिविजन भी आपका यहाँ पर साथ में हो जाएगा ना रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये हमने ऑलरेडी कवर किया था रिवोकेशन

एग्जाम के अंदर कई बार यही उठ के आ जाता है जैसे अगर ऑक्शन हो रहा है तो ऑक्शन में आप अपने ऑफर को कब रिवोक कर सकते हो या एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हो? जब तक वो हैमर हैमर नहीं मार मार देता। जैसे ही दिया, इट सोल्ड। अब आपके लिए नॉट विद्रॉ द ऑफर एक्से यहां पर वही है, withdraw, right? और रिवोक हिज बिड Before it is accepted by the auctioneer by the fall of the hammer. Egg bar hammer up, contract complete. Firab contract complete second example, X offered to sell 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep the open, keep it open for acceptance to Y till 6 p.m. of the day. Now, before that time, X sold them to Z. Now Y accepted the offer before 6 p.m. But after the revocation of X, तो इस केस में क्या हो गया एक्स ने वाई को बोला कि चलो 6 बजे तक अगर आप मेरे से कॉटन परचेज करने के लिए आओगे तो मैं इस प्राइस पे आपको कॉटन बेच दूंगा अब वाई 6 बजे के पहले आया लेकिन उससे भी पहले सपोज वाई आया शाम को 4 बजे लेकिन 3 बजे एक्स ऑलरेडी वो कॉटन किसी और को बेच चुका था तो यहां पर क्या मान लिया जाएगा द ऑफर इज एनी वे रिवोक्ड क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ था ना आ रहा है आपको समझ में वाई, वाई चार बजे उसके स्टोर पे आके बोलता है हा मैं कॉटन खरीदने के लिए रेडी हूं तो उसने कम्युनिकेट कब किया चार बजे कम्युनिकेट किया अब चार बजे के पहले अगर एक्स ने ऑलरेडी कॉटन किसी और को बेच दिया है तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली आपका रिवोक हो गया हाँ लेकिन सपोज करो वो एक बजे फोन करके उसको बोलता है कि देखो ये जो कॉटन है मैं खरीदूंगा लेकिन चार बजे आके मैं इसकी डिलीवरी लेने वालों अब यहां पर एक बजे जो ऑफर अब जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो हो चुका है आया समझ में ये पॉइंट ये पॉइंट आया समझ में एक बजे अगर उसने फोन करके बोल दिया तो अब एक्स तीन बजे उस कॉटन को नहीं बेच सकता लेकिन अगर वाई ने कुछ भी नहीं बोला वो चार बजे सीधा आके बोलते हैं हाँ मेरे को कॉटन दो तो वो मना कर सकता है कि देखो ये कॉटन तो ऑलरेडी बिक गया तीन बजे मैंने किसी और को यहाँ पर बेच दिया सो बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी ना बी द प्रपोजल लेटर सेंट बाय पोस्ट ना ए में रिवोर्कोजल एनी टाइम और मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो ये आपको ध्यान रखना है बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब तक पोस्ट करता है उससे पहले पहले एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स ठीक है सो एन ऑफर एक्सेप्टेंस टू दस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ट लैपिस का मतलब खत्म होना जैसे ये कॉटन वाले केस में बता एक्स ने अगर कॉटन किसी और को बेच दिया तो फिर आपका ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो गया है लैप्स हो गया है राइट right? तो ये पॉइंट आपके पास आ जाता है इसके अलावा आप यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट दिस इज अगेन द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन दिस इज ऑल्सो रिपीटेड नाउ दिस इज अ फाइव मार्क एग्जाम क्वेश्चन ये पांच मार्क का आपका एग्जाम क्वेश्चन है ठीक है वट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन रिवोकेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपने ऑफर को कैसे कैंसिल कर सकते हो तो ऑफर कैंसिल हो सकता है बाय द नोटिस ऑफ रिवोकेशन आप सामने वाले को बोल दो कि देखो मेरा ऑफर जो है दैट स्टैंड विड्रॉन तो ऑफर विड्रॉ हो गया ठीक है दूसरा होता है बाय द लैप्स ऑफ टाइम लैप्स ऑफ टाइम का क्या मतलब होगा आपको मैंने बोला था रिप्लाई बाय फ्राइडे अब फ्राइडे तक अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो द ऑफर इज दिस इज ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम फिर आता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रिडेंट प्रिसीडेंट का क्या मतलब होता है प्री प्रिडेंट प्री पहले का कंडीशन तो आपने कोई प्री कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो अगर आपने उस प्री कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो ऑफर ऑटोमेटिकली आपका यहां पर क्या हो जाएगा ऑफर आपका कैंसिल हो सकता है एक सा आपने कई बार वो सुना uh, जैसे अगर आपको कोई बुकिंग करवाना है तो यू हैव टू पे ट्वेंटी परसेंट यू हैव टू पे फिफ्टी परसेंट इन एडवांस आपने ऐसा देखा राइट लेट्स से लेट्स से uh, आप लोग अभी सी ए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो आपका जब सी ए फाउंडेशन का एग्जाम होता है तो मैं बोलता हूँ देखो मैं सी ए इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ दस बच्चों को पढ़ाऊंगा सो so, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो मेरे से तो प्लीज कंफर्म योर सीट एंड पे लेट्स से वन थाउजेंड रुपीज टू बुक योर सीट अच्छा आप में से सब बोलते हो हाँ सर मैं आऊंगा मैं आऊंगा लेकिन सिर्फ चार बच्चों ने वन थाउजेंड रुपीज दिया बाकियों ने नहीं पे किया तो आप मुझे बताओ क्या बाकियों के लिए मैं ऑफर कैंसल कर सकता हूँ बाकी छह और से मतलब आप में से नहीं किसी और बैच के छह स्टूडेंट्स को लेकर मैं उनको सीए इंटर पढ़ाता हूँ तो क्या आप लोग बाद में मेरे को यह बोल सकते हो कि सर आपने तो ऑफर किया था सीए इंटर में पढ़ाओगे फिर आप रिवोक कैसे कर सकते हो ऑफर को आंसर इज नो बिकॉज आपने जो प्री कंडीशन था उसको फुलफिल नहीं किया था और प्री कंडीशन क्या था टू बुक योर सीट यू नीड टू पे अ एडवांस ऑफ इज दिस क्लियर तो आपका ऑफर पे एक्सेप्ट नहीं रहेगा ठीक है इसी तरह से एक और पॉइंट आता है एक और पॉइंट आपको चलो इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बताता हूं मुझे बताओ जब कंपनी शेयर इश्यू करता है तो हु इज मेकिंग द ऑफर कंपनी और द एप्लीकेंट

वो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है, 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 है प्रोमोटर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है प्रोस्पेक्टस के अंदर वो करेक्ट है अगर वो इंफॉर्मेशन में कुछ भी गड़बड़ नजर आता है तो भले ही आपको शेयर अलॉट कर दिया भी गया हो तो भी जाके आप क्या कर सकते हो आप अपने एप्लीकेशन मनी को रिफंड मांग सकते हो आप बोलो कि ये पकड़ो अपना शेयर सर्टिफिकेट और मुझे मेरा रिफंड दो क्यों क्योंकि आपका जो प्री कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हुआ है ऑफर इज इज रिवोक्ड दिस क्लियर तो प्री कंडीशन है कि जब ऑफर कर रहे हो तो वहां पर आपके जो आपने दिए वो सब आपके करेक्ट है तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है सेम वे बाई डेथ और इंसैनिटी तो बात है इंसान मर गया अब उसकी कब्र से एक्सेप्टेंस निकलवाओगे क्या या उसके कब्र को बोलोगे नो नो फुलफिल योर लीगल ऑब्लिगेशन तो यहाँ पर पॉइंट क्या है इफ द पर्सन हैज डाइड और इंसैनिटी इंसैनिटी का मतलब इंसान पागल हो गया ठीक है पागल मतलब वो लिटरल वाला पागल हो गया तो वो अदर पागल नहीं इंसान एक्चुअल में पागल हो गया ही इज नॉट इन अ कैपेसिटी टू टेक द ही इज नॉट इन अ कैपेसिटी टू डू द वर्क इंसैनिटी अगर हो गया तो यहां पर भी आपका ऑफर क्या हो जाता है हो जाता। जिस किया, वो उफर, वही इंसान नहीं रहा तो फिर हम क्या बोलेंगे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाता है फिर आ जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड सो आज क्लास के स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल किया था मैंने आपको बोला था ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना आपने ईमेल के थ्रू नहीं आपने व्हाट्सऐप किया तो फिर यहां पर ये कम्युनिकेशन वैलिड नहीं होगा तो ऑफर इज ऑटोमेटिकली विद्रॉन और फिर आ जाता है सब्सिक्वेंट इलिगैलिटी तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन एक्सपोर्ट करूंगा यू गाइज आर इन आउटसाइड इंडिया मैंने आप लोगों को बोला था मैं इंडिया से आप लोगों को कुछ मेडिसिन एक्सपोर्ट करूंगा बीच में कोविड आ गया और गवर्नमेंट ने बोला आज से ये मेडिसिन का एक्सपोर्ट करना बैन है इट इज गोइंग टू बी इीगल सो हमारा ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा ऑफर ऑटोमेटिकली अब रिवोक हो गया है आई नीड नॉट परफॉर्म द ऑफर बिकॉज इट इज इज नाउ नाउ सो वी विल से दिस अ वॉइड बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो हम बोलेंगे इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज वी वुड से द ऑफर इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड गाइस दिस मेक सेंस ओके अगर अगर ये आप लोगों को लगता है, तो वी आर डन फॉर द डे, देन वी आर डन फॉर द डे, कंसीडरेशन को आज स्टार्ट नहीं करूंगा इंपॉर्टेंट we'll है, है तो आपके मॉड्यूल के हिसाब से आपका एक यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज रिवाइज एवरीथिंग कंप्लीटली एंड इनकेस एनी वन ऑफ यू लेक्चर कोई पुराना लेक्चर आपने मिस कर दिया तो प्लीज फील फ्री टू व्हाट्सएप मी मैं आप लोगों को वो लेक्चर का एक्सेस दे दूंगा आई थिंक अनिकेत ने लास्ट थर्सडे का लेक्चर स्किप किया था बिकॉज यू हैड गॉट वैक्सीनेशन वॉज नॉट वेल तो अनिकेत ने मैसेज किया तो मैंने उसको इमिडिएटली लेक्चर फॉरवर्ड कर दिया था सेम वे मैं आप लोगों को बोलता हूँ इनकेस यू हैव मिस्ड एनी पर्टिकुलर लेक्चर फील फ्री टू व्हाट्सऐप मी एल शेयर द लिंक विद यू एंड यू कैन रिवाइज द लेक्चर ये ओके okay, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना माय दिस इज नंबर जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अपना नाम ईमेल आईडी मुझे क्लियरली आप व्हाट्सएप कर देना और बता देना सर आई एम फ्रॉम सी ए फाउंडेशन नवम्बर बैच तो मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा यहाँ पे ओके okay?